पूरी दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं बना होगा जो आने वाले 7 साल बाद लागू होगा। तो ये महिलाओं के साथ ये जो हो रहा है, मैं मानती हूं उनको एक झुंझुना दिखाया जा रहा है कि आरक्षण तो दे रहे हैं पर आरक्षण के साथ हम कंडीशन भी रख रहे हैं, दरवाजा तो खोल रहे हैं पर 7.5 साल तक आपको उसमें एंट्री नहीं देंगे, ये कह रहे हैं। साथ में मैं पूछना चाहती हूं क्या आपको रोक रहा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जो आपको रोक रहा है इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन से। तो दुख इस बात का होता है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, पूरी तरीके से जो आज मिठाई बांटते और खुशी होती है हम सब महिलाओं में, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत से विषय आए कि ये पारित क्यों नहीं हुआ, पिछली बार लोकसभा में आया, हमने 9 साल में क्यों नहीं लाया। मैं कहना चाहती हूँ कि 9 साल में क्यों नहीं लाया इस पर करने की बजाय, आज तो उत्सव का दिन है, हम सबको उत्सव मनाना चाहिए, आज खुशी का दिन है, मनशा पे शक क्यों? आप सब यहाँ पर प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, आप सभी को ये बात पता है, इस मंशा पर शक इसलिए नहीं किया जाना चाहिए। हर जगह पर राजनीति हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस पर आप राजनीति कर रहे, प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और उस प्रक्रिया के साथ में जब हम उस बिल को आगे लाएंगे तभी महिलाओं को आरक्षण बिल पर प्रावधान के तहत उन्हें उनका अधिकार मिल पाएगा। पूर्व में राज्यसभा में पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में पारित होते हुए उन्हें स्थान नहीं मिल पाया, लोकसभा में पारित नहीं हुआ। हर जगह की राजनीति भारत देश को बहुत पीछे ले जाती है।